हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। देखो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने 10th में भी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो आप 10th वाली वीडियोज़ देख लेना, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यूजेज़ क्या हैं तो वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो यूजेज़ है कनकेव मिरर के अंदर वो आता है कि कनकेव मिरर्स इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर्स इन सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स। आप लोगों ने अगर देखा होगा जो सर्च लाइट्स हैं या हेडलाइट्स हैं व्हीकल्स की, उसके आगे तो एक तो क्या होता है, लेंस टाइप सा होता है ना, ग्लास टाइप लगा होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ बल्ब होता है उसकी साइडों में आपने कभी देखा हो कि सिल्वर सिल्वर पार्ट होता है, या कभी आप टॉर्च को खोल कर देखना, ठीक है, उसमें एक लेंस निकलेगा आगे से, ठीक है। और जहाँ बल्ब लगा होगा ना उसके चारों तरफ एक सिल्वर सिल्वर पार्ट होगा, ठीक है। वो जो सिल्वर पार्ट है वो रिफ्लेक्टर है, और कौन सा रिफ्लेक्टर है, वो कनकेव रिफ्लेक्टर है। वो क्या करता है, लाइट को दूर तक भेजेगा, दूर तक जाना है तभी वो सर्च लाइट्स की बात हो रही है यहाँ, या हेडलाइट्स में भी दूर तक लाइट जानी चाहिए, है ना, जो व्हीकल्स की होती है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को आपको समझना है, इस पॉइंट को, तो आपको अगर याद हो क्लास 10th में कनकेव मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन डायग्राम थे वो 6 डायग्राम्स थे, और उसमें सबसे पहला जो डायग्राम था वो क्या था, ये क्या होता था, कनकेव मिरर होता था ये, ठीक। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका पोल होता था, ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते थे हम, और ये बिल्कुल मिड में इसका हम फोकस लेते थे, इसी तरीके से होता था, ठीक है। अब देखो वहाँ पर क्या होता था, जैसे इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते थे, इन्फिनिटी से ये पैरलर रेज आ रही है लाइट की, ठीक। और ये क्या क्या होंगी इनके साथ, ये जाएंगी फोकस पे, इस तरीके से फोकस में से पास होती हैं, इधर से भी ये फोकस में से ही पास होती हैं, ठीक। अब इसका रिवर्स कर लो, रिवर्सिबिलिटी भी आपको पता ही है कि रिवर्स भी हो सकती है चीज़। अगर यहाँ फोकस पे कोई सोर्स है लाइट का, ठीक है, वहाँ से लाइट गई वो इस तरीके से जाएगी इधर, और इधर इधर से जाएगी तो ये इधर जाएगी, और इधर से ये इधर जाएगी। अब देखो ये इस तरीके से दूर तक नहीं जाएंगी लाइट, पैरेलल रेज जाएंगी, तो ये दूर तक जाएंगी, तो यही सर्च लाइट में होता है और यही व्हीकल्स की हेडलाइट्स में होता है, ठीक है। अगला देखो, कनकेव मिरर इज यूज टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस। लार्ज इमेज ऑफ फेस, जैसे आपने देखा होगा गर्ल्स वगैरह को मेकअप करना है, ठीक है, तो जैसे आईज में कुछ करना है, ठीक है, तो उनको आईज बड़ी दिखनी चाहिए, है ना, तो मिरर को बहुत पास में रखते हैं और उनको बहुत बड़ा साइज दिखता है आईज का, ताकि वो मेकअप वगैरह अच्छे से कर सकें, है ना। ऐसे ही मेंस में जब वो शेविंग करते हैं तो शेविंग मिरर्स अलग होते हैं, ताकि वो शेविंग ढंग से कर सकें और उनको अपना लार्ज फेस दिखे, ताकि कहीं कट ना लगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा इसमें रे डायग्राम जो होते थे कनकेव मिरर के, जो क्लास 10th में किए थे, वो आप 6th डायग्राम देखो, जिसमें हम क्या करते थे, देखो यहाँ बनाता हूँ वो मैं, जैसे ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा फोकस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है एफ और पी के बीच में, ठीक है, एफ और पी के बीच में, अगर मान लो ये है ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक, इसमें ये एक पैरेलल रे गई, ये कहाँ से निकलेगी, फोकस में से, तो फोकस में से कैसे निकलती है बताओ, इस तरीके से ये फोकस में से निकलेगी, ठीक। और एक हमने मान लो पोल से निकाल दी, ये पोल से निकली और ये इस तरीके से चली गई, ठीक। अब ये देखो ये दोनों यहाँ मिल नहीं सकती हैं, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये दोनों यहाँ मिल नहीं सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इनको अपीयर टू मीट करना पड़ेगा, बैक में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी हम बैक में लेकर जाते हैं, ये देखो ये यहाँ जहाँ कट हो रही है, तो इसने ये इमेज बनाई, और ये देखो कितनी बड़ी इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, कितनी बड़ी इमेज बनाई, और वर्चुअल इमेज बनी है और बड़ी इमेज बनी है ना। और यही होगा, जैसे ये मिरर है, यहाँ पर आपका फेस होगा, ठीक है, तो आपको देखो बड़ी इमेज दिखाई देगी अपने फेस की, इसलिए टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। यूजेज देखो इसमें और भी हैं यूजेज तो, लेकिन इतने आपको करने नहीं है, प्लस 2 लेवल पे, ये 10th लेवल का टॉपिक है, ठीक है। फिर भी जब है हम आपके सिलेबस में तो 1 मार्क में 2 मार्क में आ सकता है, तो उसके लिए सफिशेंट है। और ज़्यादा आप करना चाहते हो तो क्लास 10th की वीडियोज़ देख लेना, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। देखो यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर में देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, दैट द कन्वेक्स मिरर इज यूज एज रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, देखा होगा आपने, स्ट्रीट लाइट्स बाहर लगी होती हैं, उसमें भी आगे एक लेंस टाइप होता है, और जहाँ बल्ब होता है, ठीक है, उसके ऊपर वाले पार्ट पे देखना सिल्वर सिल्वर होता है लगा हुआ, ठीक है, वो एज अ रिफ्लेक्टर होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। और वहाँ वो यूज़ क्यों होते हैं, उसके लिए देखो
इसमें कन्वेक्स में इसका जो पहला डायग्राम है, रे डायग्राम, वो कैसे बनाते थे हम लोग, देखो ये है आपके पास कन्वेक्स मिरर, इसी तरीके से बनता है कन्वेक्स। इसका सेंटर इधर आएगा और फोकस भी इधर आएगी, ठीक है, और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा पोल, इस तरीके से ही बनता था, ठीक है। अब मान लो ये दूर से आ रही है लाइट, क्या हो रहा है, ये दूर से आ रही है लाइट, पैरेलल रेस, ठीक, ये क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। डाइवर्ज कैसे, इस तरीके से, क्योंकि ये अपीयर टू मीट कहाँ होती हैं, फोकस पे, क्योंकि पैरेलल रेस के लिए, और एक्चुअल में रिफ्लेक्ट इधर हो जाती हैं, यहाँ से भी ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इस तरीके से हम ये बनाते थे। अब देखो आपको दिख रहा होगा लाइट आई मिरर पे और मिरर ने इसको फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया, तो ये स्ट्रीट लाइट्स में लगे होंगे इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर आपको नीचे रोड पे जितनी ज़्यादा लाइट फैल सके उतना ही ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्टर कौन से यूज़ होते हैं हमारे पास, कन्वेक्स वाले, ठीक है, ताकि लाइट फैल सके। इसका मतलब वो जो बल्ब होगा वो कहाँ होगा लगा हुआ, सोचने की बात है, वो इस तरीके से लगा होगा कि उस पर जो लाइट आएगी वो ऐसी आए जैसे कि पैरलर, जैसे कि पैरलर रेज आ रही है, ठीक है, उस तरीके से फिर वो उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा डाइवर्जिंग वे में, और लाइट बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो आपके पास कन्वेक्स में इट इज़ यूज इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर। देखो व्हीकल्स में आपने देखा होगा साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं पीछे के देखने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसमें यही क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बात है वर्चुअल इमेज चाहिए, और वर्चुअल इमेज होनी चाहिए छोटी, क्योंकि कनकेव में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो बड़ी बनती है ना, बड़ी नहीं चाहिए मुझे, छोटी चाहिए, क्यों, मुझे पीछे ट्रक भी देखना है, बस भी देखनी है ना। अब ऑब्वियसली बात है वो बस और ट्रक तो इतना बड़ा, तो उसकी मैं छोटी इमेज ही चाहूँगा, क्योंकि मिरर तो छोटे छोटे लगे हुए हैं साइडों में, तो मैं उसकी इमेज छोटी ही चाहूँगा उसके अंदर, तो हमें कौन से मिरर यूज़ करने पड़ते हैं वहाँ पर, कन्वेक्स, समझ रहे होंगे, कन्वेक्स मिरर्स यूज़ करने पड़ते हैं। देखो उसके लिए अगर हम डायग्राम देखें तो उसका कन्वेक्स में रे डायग्राम बनता है लास्ट वाला, वो कैसे बनता है यहाँ पर ही बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ठीक, ये इधर इसका सेंटर होगा, ये इसकी फोकस होगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट कोई, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें से पैरेलल रेज गई होंगी, ये कहाँ पर मीट करेंगी, फोकस से निकलेंगी, और ये इधर से डाइवर्ज होंगी, इसी तरीके से होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि पोल से निकलें, ठीक है, पोल से इसी तरीके से जा सकती हैं, और इस तरीके से ये बाहर ऐसे ही होगा, तो यहाँ पर तो कहीं मिल नहीं रहा ये दोनों, ठीक है, तो ये भी हमने अपीयर टू मीट कराई, और ये वाली भी अपीयर टू मीट बैक लेके जाएंगे, और ये देखो ज़रा ये बन गई आपके पास इमेज, तो ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज बन गई छोटी कन्वेक्स में, और आपने देखा ही होगा जो कनकेव थे उसमें इमेज बड़ी बनती है वर्चुअल, ठीक है, तो कन्वेक्स ही यूज़ करने चाहेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि रियर में हम लोग छोटा ही देखना चाहेंगे बस और ट्रक को, तभी देख पाओगे आप लार्ज व्यू, तभी देख सकते हो पीछे का, है ना, अब 10 ट्रक खड़े हैं अगर पीछे तो वो भी आपको दिख जाएंगे, है कि नहीं, एडजस्टमेंट आप करो उसकी मिरर की, आपको दिख जाएंगे बिल्कुल आसानी से, तो यानी कि इमेज क्या हो रही है, छोटी बन रही है, इसी वजह से आप देख पा रहे हो, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट था, आपने देखा होगा जो रियर व्यू मिरर होते हैं उन पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर, ये मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है जो आपको मिरर में दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर, वो आपके पास में है देन दे अपियर, जो आपको मिरर में दिख रहा है थोड़ा दूर, वो उतना भी दूर नहीं है, वो थोड़ा पास में ही है, ऐसा क्यों, देखो ऑब्वियसली बात है इमेज को छोटा करना है, जब वो इमेज को छोटा करता है तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट सी हो जाती है पूरी पिक्चर पीछे वाली, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है ना वो भी आपको लगता है कि लार्ज है जो पीछे कोई चीज़ आ रही है, लेकिन वो इतना भी लार्ज नहीं होता, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पीछे का, खुद भी मिरर के भरोसे मत रहना कि डिस्टेंस शायद इतना ही है, या आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि हाँ ठीक है, वो चीज़ें आ ही जाती हैं जब आप चलाते रहते हो कोई भी एक्टिवा या कोई भी कार, ठीक है, तो पीछे का आप अंदाज़ा लगा पाते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप नए नए हो तो आपको जो मिरर में दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं है पीछे वाले ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो दूरी कम ही होती है लेकिन हमें मिरर में ज़्यादा दिखाई देती है, तो इसीलिए लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, समझ रहे हो, ठीक है, तो ये इसके यूजेज हैं, इतने सफिशेंट हैं आपके लिए, ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, इनको नोट कर लेना, ठीक, ओके, थैंक यू।